फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी F55 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन में आने वाली एड्स को आप ना कैसे बंद कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप अपने मोबाइल फोन में आने वाली एड को बंद कर सकते हैं कैसे। इसके लिए मोबाइल फोन का इंटरनेट सबसे पहले चालू करना है, इसके बाद मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको नीचे आना है, नीचे की साइड आपको ये ऑप्शन मिल जाता है गूगल का, गूगल पे आपको टैप करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे ये सामने पेज आएगा तो मैं आपको आगे का प्रोसेस आपको समझाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हमारा पेज जो है शो हो चुका है, और यहाँ पर आपको इस पेज में मैनेज योर गूगल अकाउंट, मैनेज योर गूगल अकाउंट का ये ऑप्शन आपको टैप करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका ये पेज आता है, इस पेज में आपको नीचे लाइन होती है, इस लाइन को आप उंगली से दबा के आगे पीछे कर सकते हैं। तो इस लाइन में आपको ये ऑप्शन मिलता है डेटा एंड प्राइवेसी, डेटा एंड प्राइवेसी पे टैप करना है। ठीक है, आपका ये वाला पेज आएगा, इस पेज में आपको नीचे आना है, नीचे की साइड आपको यहाँ लिखा हुआ मिलता है ये पर्सनलाइज एड्स, पर्सनलाइज एड्स के ठीक नीचे आपको माई एड सेंटर, माई एड सेंटर पे आपको टैप करना है। अब आपको जो है एक और पेज आएगा, इस वाले पेज में आपको देखिए सबसे ऊपर ये पर्सनलाइज एड के सामने ऑन लिखा हुआ है ना, तो ये सेटिंग हमारी ऑन रहती है जिसके कारण हमारे मोबाइल फोन में काफी सारी एड आती रहती है। तो आपको करना है क्या, ये जो ऑन का बटन है इस ऑन पे टैप करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका ये पेज आता है, इस पेज में आपको नीचे टर्न ऑफ, टर्न ऑफ पे टैप करना है। अब यहाँ पर आपका एक और पेज आता है ये वाला, इसमें आपको गॉट इट का ये ऑप्शन आपको जरूर टैप करना है। ठीक है, तो आपका जो है ना ये देखिए पर्सनलाइज एड के सामने ऑफ लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये सेटिंग बंद कर देंगे तो आपकी एड भी बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन में आने वाली एड को बंद कर सकते हैं। ठीक है ना।